नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। भंडारी के साथ संपन्न हुआ श्री शिव शक्ति महायज्ञ। सगमा से रामानंद प्रजापति की रिपोर्ट। सगमा प्रखंड में स्थित भैया रुद्र प्रताप देव हाई स्कूल के मैदान में आयोजित 7 दिवसीय पंच कुंडीय श्री शिव शक्ति महायज्ञ के अंतिम दिन सुबह से ही यज्ञशाला की परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। श्रद्धालु यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते हुए यज्ञ भगवान से अपने सुख शांति समृद्धि की कामना भी की। वहीं यज्ञ में संतों के प्रवचन सुनने को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। यज्ञ स्थल के पास अलग अलग दुकानें, झूला देखने के लिए बच्चों की भीड़ भी देखी जा रही थी। ग्राम वासियों के सहयोग से महायज्ञ का आयोजन किया गया था। वहीं मानस माधुरी नैनी प्रयागराज से आई कथावाचिका पंडिता समीक्षा पांडे, वाराणसी से आई कथावाचिका प्रियंका पांडे के द्वारा प्रतिदिन प्रवचन सुनाया जा रहा था। संत का प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग प्रतिदिन यज्ञ परिसर में पहुंच रहे थे, जबकि यज्ञ में आए नागा साधुओं के द्वारा भी प्रवचन सुनाया जा रहा था। यज्ञशाला हवन पूर्णाहुति के साथ संपन्न हो गया। पिछले 7 दिनों से यज्ञ काशी जूना अखाड़ा से आए श्री सागरपुरी नागा बाबा व जलगांव आश्रम जबलपुर से श्री छोटेपुरी नागा बाबा के सानिध्य से चल रहे यज्ञ का अंतिम हवन पूजन ब्राह्मणों के द्वारा पूरे विधान से कराया गया। यज्ञ के हवन की आहुति तथा मंत्रोच्चार में आसपास का पूरा वातावरण धार्मिक बना हुआ था। हवन समाप्ति के बाद छोटेपुरी नागा बाबा के द्वारा पूजन व आरती किया गया। यज्ञ समिति की ओर से भंडारे का भी आयोजन किया गया था। मौके पर कमेटी के अध्यक्ष हरिदास यादव, संरक्षक मनोज दुबे, चंद्रकांत यादव, वसंत पाल, नारायण दास यादव, झामुमो जय गोपाल यादव, अजय यादव, अनुज यादव, अरुण यादव, बाबूलाल यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रद्धालु शामिल थे। पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई, पुत्र जिसका नाम है पुत्र, हो भाई उसका क्या पूछना। आज तो राजा दशरथ धन्य धन्य हो गए। जिनके घर में एक भी लल्ला नहीं था, आज उनके यहाँ एक लल्ला नहीं, चार चार लल्ला आ गए। और जब चार चार लल्ला आ गए तो कहे क्या हुआ कि 33 करोड़ देवता पुष्प की वृष्टि कर रहे और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और जब भगवान की स्तुति गाना शुरू किए तो कहे क्या हुआ, आज हमारे इस सगमा में भी हमारे भगवान का प्राकट्य हुआ। और जब भगवान का प्राकट्य हुआ है तो यहाँ पर इतनी शांति क्यों है। क्या हुआ, आज सारे देवता सारे लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं और गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं के भये प्रगट कृपा। मेरे अभिभावक, वास्तव में श्री राम से बड़ा और कोई संसार में धन है नहीं, क्योंकि कबीर दास जी से कहा गया, बाबा संसार के लोग उसको धनवान कहते हैं, टाटा बिड़ला अंबानी मानते हैं, जिनके पास अरबों खरबों रुपए कागज के टुकड़े हो, जमीन जायदाद हो, बिल्डिंग हो, उसको धनवान कहते हैं। लेकिन बाबा आप समाज सुधारक संत हो, आपके दृष्टि में धनवान कौन है। तो कबीर दास जी ने कहा कि कबीरा यह जग निर्धना, कबीरा यह जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं हो, धनवंता से जानियो, जग राम नाम धन हो, राम नाम धन हो। कबीरदास जी कहते हैं दुनिया वाले धनवान उसको कहते हैं जिनके पास कागज के टुकड़े हो, लेकिन संत की दृष्टि में धनवान वो है जिनके पास राम नाम रूपी धन है, जिनके पास राम नाम रूपी धन। बाल्यावस्था में जिसने विद्या नहीं कमाई, जवानी की अवस्था में जिसने धन नहीं कमाया, और वृद्धावस्था में जिसने राम नाम रूपी धन नहीं कमाया, उसके जैसा अभागा दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए संसार में सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो राम नाम रूपी धन है। अतः माता कौशल्या ने कहा, बेटी इस कौशल्या के लिए सबसे बड़ा अमूल्य वस्तु अगर कोई है, मेरा बेटा श्री राम है। अतः आज मैं
श्री राम का हाथ तुम्हारे हाथों में समर्पित करती हूँ। माता सीता की जो मछली सास है, दूसरे नंबर की सास है, उनका नाम है कैकेयी। जब माता कैकेयी को ये मालूम हुआ, परमेश्वरी मेडिकल सेंटर चीनिया रोड नाहर चौक कड़वा, यहाँ दूरबीन द्वारा पित्त पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चे दानी का जांच एवं ऑपरेशन, अंडाशय में गांठ, ट्यूब में बच्चे का होना, ट्यूब की जांच व बंद ट्यूब खोलने का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन संभव। नोट: दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के बाद कोई दर्द नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, जल्द छुट्टी। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।